नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू यूट्यूब वीडियोस। तो आज के इस वीडियोस में एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का इस अपने नए वीडियोस में। तो आज हम फिर से बात करने वाले हैं आधार कार्ड के ही बारे में। बाकी आपने थंबनेल पे ऑलरेडी देख ही लिया होगा, तो जो थंबनेल पे आपको मिला है सेम सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। तो इस वीडियोस में हम लोग जानेंगे कि किन लोगों का आधार फ्री में सब कुछ हो सकता है। डेट ऑफ बर्थ, नाम, फोटो अपडेट करना, बहुत सारा कुछ जितना कुछ होता है। जैसे स्क्रीन पे आप एक लिस्ट देख सकते हैं यहाँ पे क्या क्या हो जाता है। फ्रेश आधार एनरोलमेंट, इसका तो वैसे भी फ्री रहता है। और आप सेकेंड पे देख रहे हैं नाम अपडेट, एड्रेस अपडेट, मोबाइल अपडेट और ईमेल आईडी अपडेट, फोटोग्राफी अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट एंड डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। ये सारा कुछ हम फ्री कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल भी कोई चार्जेस नहीं है। बस हमें ये जानना है किन लोगों का फ्री है, वो सारा कुछ आज इसी वीडियोस में हम आप लोगों को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को जानकारी नहीं होती है, पर भी हम लोगों को ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि हम लोगों को ये पता हो जाना चाहिए कि किन लोगों का पैसा पड़ता है और किन लोगों का नहीं पड़ता है। ये एक आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही फ्री ऑफ कॉस्ट किया गया है। किन लोगों का किया गया है वो मैं अभी आप लोगों को इसी वीडियोस में सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कितनी एज तक के हैं जिनका फ्री रहता है, किस एज के हैं जिनको पैसे देने रहते हैं। आप कुछ भी करवाते हैं आपको 50 से 100 रुपए का इसमें पेडिंग रहता है आधार कार्ड में। आप अगर डेमोग्राफी अपडेट कराएंगे और बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो 100 रुपए रहता है, डेमोग्राफी में आपका 50 रुपए रहता है। अब डेमोग्राफी में क्या क्या आता है ये भी जानेंगे और बायोमेट्रिक में क्या क्या आता है भी जानेंगे। तो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी इनमें हमें 100 रुपए और 50 रुपए का एडिंग करना रहता है जब भी कभी हम आधार सेंटर पे कुछ भी करवाते हैं। अदरवाइज अगर हम न्यू एनरोलमेंट करवाते हैं यानी कि किसी का नया आधार बनवाते हैं तो वो तो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा ही रहता है चाहे जिस एज में हो। लेकिन डेमोग्राफी और बायोमेट्रिक का सिस्टम ऐसा है कि एक ऐसा एज निर्धारित किया गया है जिसमें हम लोगों को बिल्कुल भी पैसे नहीं देने हैं, तो वो हम जानने वाले हैं इसी वीडियोस में। तो शुरू करते हैं इसका वीडियोस। जानते हैं हमारा नाम पवन कुमार है और हम ऑलरेडी बहुत सारे रेगुलर वीडियोस बना बनाकर अपने YouTube चैनल पे डालते रहते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड। और जब भी हम कोई जानकारी लेकर आते हैं तो एक सर्चबल और बहुत ही अच्छी जानकारी होती है। तो आज की जो जानकारी है वो आधार कार्ड से रिलेटेड है। तो इसमें हम आज बताने वाले हैं कि किन लोगों को पैसे देने रहते हैं, किन लोगों का फ्री रहता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं डेमोग्राफी अपडेट। तो ये जो डेमोग्राफी अपडेट आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है, डेमोग्राफी में देखिए क्या क्या आता है। हमारा नाम आता है एंड अपना पता आता है और मोबाइल नंबर आता है और जन्म तिथि आता है और जेंडर मेल और फीमेल आता है। ये सारा कुछ आता है हमारा डेमोग्राफी अपडेट में। तो डेमोग्राफी अपडेट का जो चार्जेस रहता है वो रहता है 50 रुपीज ओनली। चाहे डेमोग्राफी में आप जो भी करवाएंगे आपको वहां पे 85 रुपए देने रहते हैं। जेंडर चेंज कराते हैं जैसे मान लीजिए फीमेल मेल हो गया तो भी 50 रुपए देते हैं। डेट ऑफ बर्थ सही कराते हैं तब भी 50 देते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराते हैं तब भी 50 रुपए चार्ज है। अपना पता बदलवाते हैं तब भी 50 रुपए चार्ज है। अपने नाम में कुछ करेक्शन कराते हैं बदलवाते हैं तब भी 50 रुपए का चार्ज है। तो डेमोग्राफी में ये आप देख सकते हैं, डेमोग्राफी में ये सारा कुछ आता है। अब हम जानेंगे बायोमेट्रिक। तो काफी लोगों को पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि हम बता रहे हैं कि लोगों को नहीं पता है। तो चलो, जिन लोगों को नहीं पता ये वीडियोस उनके लिए है, बाकी जिन लोगों को पता है वो देखना चाहे तो देख सकते हैं, वेलकम है इस वीडियोस पे। अदरवाइज नहीं देखना चाहते हैं तो इसको आप बंद करके अपना काम कर सकते हैं। तो अब हम जानेंगे बायोमेट्रिक में। बायोमेट्रिक में हमें क्या क्या रहता है। बायोमेट्रिक में हमारा आता है फिंगर और आंखों का स्कैनिंग और फोटो भी बदला जा सकता है। तो ये रहा हमारा बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक में हमारा फोटो अपडेट हो जाता है और आंखों का स्कैन कम्प्लीटली कर लिया जाता है और फिंगरप्रिंट सारा कैप्चर कर लिया जाता है। ये होता है हमारा बायोमेट्रिक। तो बायोमेट्रिक और डेमोग्राफी दोनों चीजें हम लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया है। अब समझते हैं किन लोगों को पैसे देने रहते हैं। तो देखिए, बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफी अपडेट सामने आप देख पा रहेंगे। बायोमेट्रिक अपडेट विदाउट फोटोग्राफी अपडेट, तो इसका हमें 100 रुपए आसानी से पेडिंग रहता है। डेमोग्राफी अपडेट में हमें 50 रुपए रहते हैं और बायोमेट्रिक अपडेट में हमें 100 रुपए रहते हैं। तो बायोमेट्रिक जब हम करवाते हैं तो 100 रुपए देते हैं। बायोमेट्रिक में हमारा फिंगर आ जाता है, फोटो आ जाता है, मोबाइल नंबर भी हम लगवा सकते हैं। 100 ही पड़ेंगे, सब विद और विदाउट आपको दिखाई दे रहा है। बायोमेट्रिक अपडेट विद और विदाउट डेमोग्राफी अपडेट, मतलब एक साथ सब कुछ कर सकते हैं तब भी 100 ही देने हैं। अब यहाँ हम आप लोगों को यह बता देंगे किस एज में हमें पैसे नहीं देने हैं, वो सारा कुछ अभी जान लेंगे पूरा। तो अगर आप बायोमेट्रिक कराएं चाहे डेमोग्राफी कराएं आपको 0 हो जाएगा।
और हम आप लोगों को लाइव दिखा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम्स आए। तो हम सबसे पहले स्क्रीन के माध्यम से देख लेते हैं, थोड़ा सा चलेंगे लैपटॉप पे और वहां से हम सारा कुछ आपको लाइव दिखा दें, उसके बाद ही कुछ होगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने लैपटॉप के माध्यम से सारा कुछ। आप भी अपने लैपटॉप पे देख सकते हैं कहां पे ये चीजें मेंशन हुई है। ये रहा लैपटॉप का स्क्रीन, यहाँ सिंपली हमें गूगल और क्रोम में जाना रहता है। गूगल क्रोम में हमें UIDAI सर्च कर लेना रहता है। जब भी हम कभी जाएंगे कुछ चेक करने आधार कार्ड से रिलेटेड, तो हमारा वही ऑफिशियल एक वेबसाइट है जिसको UIDAI गवर्नमेंट बोला जाता है। तो हम जहाँ जहाँ क्लिक करें आपको एरो के माध्यम से समझाते जाएंगे, आप उसी पर क्लिक करते रहिएगा। फिर उस पर क्लिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस होकर होकर रहता है, यहाँ पे हमें सिंपली ढूंढ लेना रहता है बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो बुक अपॉइंटमेंट का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा काफ़ी सारी जगहों पे, आप अपने ही गूगल फोन में देख सकते हैं। यहाँ देखिए एरो के माध्यम से आपको दिख रहा है बुक एंड अपॉइंटमेंट। तो यहाँ बुक एंड अपॉइंटमेंट पे हम सिंपली क्लिक कर दिए और फिर नेक्स्ट पे जैसा हमारे सामने आया, और यहाँ आने के बाद हमें सिंपली यहाँ पे कुछ करके हम अपना कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जो हम लोग जो देखने वाले हैं मेन वो चीज़ दिखाएंगे, ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि कहाँ पे ये साइट पे पड़ा हुआ, ऐसा कुछ नहीं कि हम अपनी तरफ से दिखा रहे हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ लेकर के आपको आए हैं। तो यहाँ आने के बाद सीधे ये देखिए प्रोसीड टू बुक अपॉइंटमेंट लिखा है, यहाँ से क्लिक कर देंगे क्लिक। फिर यहाँ हम लोगों ने क्लिक करने के बाद देखने को ऐसा इंटरफेस मिला, यहाँ सब कुछ आप चेक कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ आपको दिखाने की पूरी कोशिश कर ली है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट चेक फॉर एज ग्रुप। देखिए यहाँ पे 5 साल से 7 साल के बीच में फ्री रहता है, चाहे आप कुछ भी कराएं। आप यहाँ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे साफ साफ लिखा है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और 5 साल से 7 साल के बीच का अगर कोई भी बंदा है, अगर वो बायोमेट्रिक करवाए चाहे कुछ भी कराए, जो भी आपको पूरा A to Z बताए हुए हैं वो कुछ भी कराए, बायोमेट्रिक करवाए, फिंगर करवाए, फोटो लगवाए, अपना नाम सही कराए, जो भी सारा कुछ हो जाएगा फ्री एकदम 5 साल से 7 साल के बीच का अगर है। वो कैसे पता करेंगे आप? आधार कार्ड पे आप काउंट कर लीजिए क्या एज पड़ा है, उसी के अकॉर्डिंग अगर 5 साल से 7 साल के बीच का कोई है तो करवाएंगे। तो ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिल्कुल पैसे नहीं पड़ेंगे आपको, साफ साफ फ्री दिखाई दे रहा, फ्री है। वहाँ पे अगर कोई पैसे मांगेगा आपको तो आप दे सकते हैं। उसके बाद आप जब रिसिप्ट निकलेगी तो रिसिप्ट पे 0 लिखा होता है, ये देखिए मैंने रिसिप्ट लगा दी है, यहाँ पे देखिए 0 लिखा हुआ है। और एक ये रिसिप्ट साइड में लगाई है, इस पे देखिए लिखे हैं 50 रुपये, और एक ये रिसिप्ट सामने लग गई है आपके, यहाँ देखिए लिखे हैं 100 रुपये। तो ये 0 वाला जो है ये है सिर्फ फ्री वाला, तो ऐसा आपको यहाँ पे 0 दिख जाएगा। जब भी आप 5 साल से 7 साल के बीच में होंगे तो वो रिसिप्ट ऑनलाइन वो निकलता है, उस पर वो आराम से 0 लिखा होगा, फिर आपको पैसे पेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पैसे दे चुके हैं तो वापस ले सकते हैं, ये आपका रहा। अब देखिए नीचे फिर लिखा है 7 साल से 15 साल चार्ज 400 रुपये। ऊपर ये पहले चेक करिए, यहाँ पे 100 रुपये लिखा है, साथ में लिखा है ऊपर जहाँ ये देखिए लिखा है मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट चेक फॉर एज ग्रुप। यहाँ 7 साल से 15 साल के बीच अगर है तो चार्जेस 400 रुपये। सब कुछ करा सकते हैं, फोटो, बायोमेट्रिक, फिंगर और नाम वगैरह सही और डेट ऑफ बर्थ सब कुछ हो जाएगा 100 ही रुपये में अगर 500। फिर यहाँ 15 से 17 के बीच है फिर एक फ्री। देखिए 15 से 17 में फ्री है, 5 से 7 में फ्री है। तो अगर 15 to 17 में जा रहे हैं आप अपने आधार के अकॉर्डिंग तो एक साथ सारा कुछ करवा लीजिए। आपको 0 रिसिप्ट जो निकलती है, देखिए ये रिसिप्ट हमने लगाई है, फिर से दिखा दें, यहाँ जो लिखा है नीचे 0, ये ऐसे ही 0 लिखा होगा अगर आप 15 से 17 साल के बीच के हैं। तो ये एक सिस्टम इसका रहता है। फिर 17 साल से चार्जेस 100 रुपये हैं, ऊपर जितने भी प्लस में हैं ये है इसका नीचे। और देखिए लिखा है बायोमेट्रिक अपडेट विदाउट डेमोग्राफी अपडेट 100 रुपये और बायोमेट्रिक अपडेट 50 रुपये। तो ये है विदाउट, मतलब डेमोग्राफी बायोमेट्रिक सब भी करवाएंगे तब भी 100 रुपये हैं, और डेमोग्राफी सिर्फ कराएंगे तो 50 रुपये। और डेमोग्राफी में क्या क्या है मैंने आपको ऑलरेडी दिखा ही दिया है, और यहाँ पे हम लोगों ने ये कम्प्लीटली जान लिया है। बाकी अब रिसिप्ट पे आप देख ही चुके हैं, ऐसा इसका सिस्टम है। तो ऐसा ही सारा कुछ आप चेक कर सकते हैं अपने ही मोबाइल फोन से, और देख सकते हैं लिस्ट बगल में लगा हुआ है सारा कुछ कैसे क्या है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये इस चीज में अगर कोई होता है तो उसका फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप जिसका भी आधार कार्ड बायोमेट्रिक और ये सारा कुछ है तो उसका 17 से 15 के बीच वाला देख लीजिए और 5 से 7 के बीच वाला देख लीजिए। अगर ऐसा आधार कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ हो रहा है तो आप कहीं भी कराएंगे आधार सेंटर पे वो 0 हो ही जाएगा, और रिसिप्ट वहां से निकलेगा वो भी 0 ही रहता है। और ये नीचे आप एक चीज देख पा रहे होंगे सबसे लास्ट में, यहाँ पे 700 रुपये लिखे हुए हैं किसी चीज के, जो 700 रुपये लिखे हुए हैं ये होम सर्विस है। इसके बारे में एक फुल वीडियोस बना दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मैं इस पर आपको एक पूरा वीडियोस बना के दिखा दूंगा कि इसका सिस्टम क्या है। ये 700 रुपये होम सर्विस का आधार
का किस वजह से पड़ रहा है सारा कुछ अगर नहीं पता है तो। बाकी हमारा वीडियोज आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और खुशियां बांटते रहिए, और वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद।